जय हिंद वंदे मातरम। अरुणाचल प्रदेश में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में बता दें कि एक उदयपुर जिले के रहने वाले मेजर मुस्तफा भी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मेजर मुस्तफा उदयपुर जिले के खेरवाड़ा के रहने वाले थे और वह शहीद होने की खबर जैसे ही उनके परिजनों अली असगर के पास फोन करके दिया गया तो पूरे घर पर मातम पसरा हुआ है, पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बता दें कि शहीद की खबर जैसे ही उनके पिताजी को फोन से कर दिया गया जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। अली असगर ने बताया कि अभी तो सिर्फ सूचना ही दी गई, पूरी जानकारी यूनिट की ओर से आज दिया जाएगा। मेजर मुस्तफा के पिता कुवैत में कार्यरत थे जबकि मां डेस्टिस उदयपुर में स्थित घर में रहती है। उनके बेटे के निधन की जानकारी मिलते ही कुवैत कार्यरत पिता के पैरों तले जमीन खिसक गया और वह तुरंत कुवैत से भारत आने के लिए रवाना हो गया है। जानकारी के मुताबिक मेजर मुस्तफा का कुछ दिन बाद ही निकाह होने वाले थे। उदयपुर के उनके मंगेतर पुणे में कार्यरत थे। मेजर मुस्तफा के निधन की खबर सुनते ही कल ही उदयपुर के लिए उनके पिताजी रवाना हो गए हैं। आपको बताते चलें कि शहीद जवान मेजर मुस्तफा राजस्थान के उदयपुर जिले के रहने वाले थे और वह जवान देश के लिए रक्षा करते हुए कार्यरत थे। लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान देश की रक्षा करते हुए बीते दिन शुक्रवार को करीब 10:40 में यह जवान का जिस हेलीकॉप्टर से जा रहे थे वह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिनमें से 5 जवान सवार थे। 5 शहीद हो चुके हैं जिनमें से 2 पायलट थे और वही 3 सैन्यकर्मी था। बेहद ही दुखद दीपावली से पहले हमारे देश के जवानों की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। इस घटना में 3 जवान राजस्थान के थे और जिनमें से 1 मेजर मुस्तफा था। और बताते चले कि एक जवान राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले थे और वही एक और जवान हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले विकास भांभू था। हेलीकॉप्टर क्रैश चीन बॉर्डर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। टूटिंग मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सिंगिंग गाँव के पास एक सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिनमें से 5 जवान शहीद हो चुके थे, जिनमें से 4 जवान का कल ही उनका शव को बरामद कर लिया गया था। हमारे देश के जवानों की तरफ से बेहद ही दुखद खबर है दोस्त। वाकई में दोस्तों जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर रोते हैं। अगर शहीद जवान मेजर मुस्तफा के लिए आप लोगों को जरा सा भी रिस्पेक्ट होगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मैं भगवान से विनती प्रार्थना करता हूँ शहीद जवान मेजर मुस्तफा को आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की सहनशक्ति दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि शहीद जवान के अंतिम यात्रा में हजारों जन से लाभ हो।